सुबह जल्दी उठना यानी कि बहुत ही बड़ी महाभारत, और उससे भी बड़ी दिक्कत है रात को जल्दी सोना। ये प्रॉब्लम बहुत ही जेन्युइन है और बहुत सारे लोग इसको रोज़ फेस करते हैं। जैसा कि अगर आपको कोई बोले कि रात को पार्टी के लिए जाना है या फिर कोई मूवी देखनी है तो आप तुरंत तैयार हो जाओगे, और उसी तरफ अगर आपको कोई बोले कि सुबह वॉक के लिए जाना है या फिर सिंपल एक्सरसाइज करनी है तो आप तुरंत मना कर दोगे। सो इसी प्रॉब्लम को समझते हुए एक स्टडी हुई थी जिसमें 22 लोगों को ऑब्जर्व किया गया और उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक ग्रुप को बोला गया कि आपको रोज़ 2 से 3 घंटा पहले सोना है, और दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आपको रोज़ दिन में सेम टाइम पे लंच करना है। कुछ हफ्तों बाद जब इनका सलाइवा सैंपल लिए गए तो इनके मेलाटोनिन यानी कि स्लीप हार्मोन और कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन को जब देखा गया तो बहुत सारे शॉकिंग रिजल्ट्स रिवील हुए। जैसे कि जो लोग रात को 2 से 3 घंटा जल्दी सोते थे वो 2 से 3 घंटा जल्दी उठने लगे बिना अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी स्लीप को डिस्टर्ब करे हुए, और जो लोगों की डिप्रेशन की शिकायत थी, स्ट्रेस की शिकायत थी, वो भी कम होने लगी। बहुत बार होता है ना कि अगर हम लेट उठते हैं तो हमें डिजीनेस सा, वीकनेस सी फील होती है, तो उसकी जगह ये लोग ज़्यादा एनर्जेटिक रहने लगे। बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं जैसे कि हमारे पेरेंट्स की, सुबह उठो, पार्क में जाओ, वॉकिंग करो, रनिंग करो या फिर एक्सरसाइज करो, सुबह सुबह फ्रेश एयर आएगी, तुम्हें अच्छा फील होगा और तुम ज़्यादा एनर्जेटिक होगे। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो बोलेंगे कि आप सुबह उठो, पढ़ने बैठो, आपको अच्छे से याद रहेगी चीज़ें, सुबह ज़्यादा समझ आता है। और YouTube पे भी अगर आप वीडियोस देखोगे तो उस पर भी ये सारी बातें होती हैं कि जो भी सक्सेसफुल हुआ है, जैसे कि जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग या फिर स्टीव जॉब्स, ये सारे अर्ली राइजर्स थे, ये हमेशा जल्दी उठते थे। अब ये सब चीज़ तो हमें पता है कि सुबह उठने के बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन वही बात आ गई ना कि हम सुबह कैसे उठें। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप भी सुबह आसानी से उठ पाएंगे। और ये टिप्स कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं, ये टिप्स प्रैक्टिकल होने वाली है, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं होने वाली, जिसको आप आज राइट नाउ अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, स्लीप अर्ली। अब ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना कि अगर सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना पड़ेगा। अब रात को जल्दी कैसे सोए यार, हमारी आदत तो है रात भर टीवी देखने की, रात को टीवी भी कौन देखता है आजकल, रात को मूवी देखने की, रात को वेब सीरीज देखने की, भाई सुबह कैसे उठें। पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप सोने जा रहे हो उससे 1 घंटा पहले फ़ोन बंद कर दो, अपना फ़ोन यूज़ मत करो। अब फ़ोन भी बंद कैसे कर दे, पूरे दिन तो हमारी फ़ोन चलाने की आदत है और रात को हम एकदम से कैसे फ़ोन बंद कर दे। तो उसके लिए क्या कर सकते हो कि रात को जब आप 1 घंटा पहले सो रहे हो तो 1 घंटे पहले का अलार्म रखो कि अब मेरे को फ़ोन नहीं छूना है, और अब 1 घंटे तक मैं फ़ोन नहीं छूंगा, मेरे सोने का टाइम है। और इस 1 घंटे में आप क्या कर सकते हो कि ऐसी कुछ चीज़ें करनी है जो आपके माइंड को रिलैक्स करे, जैसे कि आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुन सकते हो। और इसकी जगह आप ये नहीं करना कि कोई मोटिवेशनल सॉन्ग या फिर मोटिवेशनल वीडियो देख ली, उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में चढ़ेगा कि मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे आपकी नींद जो आ भी रही होगी वो भी उड़ जाएगी। ऐसे करके अगर होगा तो आपका जो माइंड है वो रेस्टलेस हो जाएगा, वो आपको सोने ही नहीं देगा, आप बार बार उसी के बारे में सोचते रहोगे। सो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ों को अवॉइड करो। शुरुआत में हो सकता है कि आपको ये थोड़ा मुश्किल लगे जल्दी सोना, क्योंकि आपकी तो आदत पड़ी हुई है रात को 12-1 बजे तक सोने की, तो एकदम से कोई आदत नहीं चेंज होगी, कोई भी आदत जो होगी वो धीरे धीरे चेंज होगी। सो अगर आप इसको रेगुलरली करते रहोगे तो आपको ऑटोमेटिकली नींद आने लगेगी। टिप नंबर 2 कि रात को हमें क्या खाना चाहिए। सो मेक श्योर कि आपका जो डिनर है वो जल्द से जल्द हो जाए और उसको लाइट रखने की कोशिश करो। अगर आप हैवी डिनर करोगे तो उससे क्या होगा कि जो आपकी बॉडी की एनर्जी है वो पूरी खाने को डाइजेस्ट करने में चले जाएगी। सो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो। रात को सोने से पहले आप क्या कर सकते हो कि दूध में हल्दी डाल के पी सकते हो, जिससे आपको एक क्वालिटी स्लीप आएगी। टिप नंबर 3, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। ये नहीं कि आपने आज ये वीडियो देखी और आपको लगा है हाँ यार कि मैं रोज़ 10 बजे उठता हूँ, कल मैं क्या करता हूँ कि कल 6 बजे उठ जाता हूँ। सो एकदम से ऐसा नहीं होने वाला, और अगर हो भी जाएगा तो उसके अगले दिन नहीं उठ पाओगे। अगर आप 10 बजे भी उठते हो तो कोशिश करो कि अगले दिन आपको 6 बजे नहीं उठना, आपको बस 9:30 बजे उठना है, आधे घंटा जल्दी उठना है। और धीरे धीरे इस टाइम को कम करते हुए आपको कुछ टाइम लगेगा
जैसे कि एक महीना लगेगा, दो महीने लगेंगे सुबह जल्दी उठने के लिए, जैसे कि 5 बजे 6 बजे। लेकिन अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहोगे तो आप डेफिनेटली जल्दी उठ पाओगे। टिप नंबर 4, एक अच्छा रीज़न होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सुबह जल्दी उठना है। याद है जब भी आपको कोई इंटरव्यू के लिए जाना होता है, या फिर कोई मैच खेलने जाना होता है, या फिर कोई ट्रिप में जाना होता है ट्रेन से या बस से, तो कैसे आप अलार्म से आधे घंटे पहले उठ जाते हो? उस समय एक्साइटमेंट ही इतना होता है, या फिर डर भी हो सकता है किसी किसी केसेस में, तो हम जल्दी उठ जाते हैं। हमारे माइंड को पता है कि अगर ये काम नहीं हुआ, जल्दी नहीं उठा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसी तरह से आपको भी कोई अच्छा रीज़न देना है अपने आप को कि आप जल्दी उठ पाओ। जैसे कि वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो आपका खुद का रीज़न है, वो शायद किसी और के लिए स्टूपिड हो सकता है लेकिन आपके लिए कुछ मीनिंगफुल हो सकता है। जैसे कि मेरे को सुबह उठ के रनिंग करने जाना है या एक्सरसाइज करना है, या फिर और नहीं तो कुछ मेरे को सिर्फ वॉक के लिए जाना है, सुबह मेरे को अच्छा लगता है, अच्छा फील कर रहा होता हूँ मैं सुबह। या फिर आपको स्पोर्ट्स खेलना है, कोई फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, कोई भी स्पोर्ट्स खेलना है, तो उसके लिए आप जा सकते हो। या फिर अगर आपके एग्ज़ाम्स पास आने वाले, तो उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है, तो ये भी एक गुड रीज़न हो सकता है आपको जल्दी उठने के लिए। टिप नंबर 5, आपको दिन के टाइम में कैफीन और नैप्स को अवॉइड करना है। अगर आप दिन में सोओगे या फिर चाय या कॉफ़ी पियोगे, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको रात को नींद ही नहीं आएगी अच्छे से। तो अगर नींद नहीं आएगी तो सुबह जल्दी कैसे उठोगे? सो ये बहुत ज़रूरी है कि नैप और कैफीन को अवॉइड किया जाए। सो ये थी कुछ टिप्स सुबह जल्दी उठने के लिए। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपकी ये वीडियो किसी भी तरह हेल्पफुल हो, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ फिट लाइफ फिट स्टाइल साइनिंग ऑफ।